स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं हाफ के जी में पाइनएप्पल केक। हमने ब्रेड को चार लेयर इस तरीके से कर लिया है, उसे व्हिप क्रीम लगा के पाइनएप्पल क्रश और वाइट दाना डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर दूसरा लेयर लगाएंगे, फिर उसी तरह से व्हिप क्रीम, फिर पाइनएप्पल क्रश डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर वहाँ हमें कम से कम इसमें आप तीन या चार लेयर कर सकते हैं। हमने चार लेयर किया हुआ है ताकि केक की थोड़ी सी हाइट अधिक रहे, इसलिए हमने चार लेयर कर लिया है। इस तरीके से हम हाफ आइसिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको हम फुल आइसिंग करेंगे, केक पे अच्छे से सेट कर लेंगे। केक को सेट करने के बाद व्हिप क्रीम की सहायता से पूरा आइसिंग करेंगे। आप चाकू या स्केल की सहायता से अच्छी तरीके से कर सकते हैं आइसिंग, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं ऐसी देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रीम में व्हिप क्रीम में पाइनएप्पल एसेंस मिला हुआ है ताकि इसका टेस्ट और कलर जो है कि पीला हो सके। हल्का हल्का आपको पीला दिख रहा होगा हमारा व्हिप क्रीम अच्छे तरीके से। फिर ऊपर से हम ऊपर की सतह से स्केल की सहायता से हम इस प्रकार कटिंग करेंगे ताकि केक अच्छे से डेकोरेट हो सके। देख सकते हैं अच्छे से हमने डेकोरेशन कर लिया है। इसको हाफ आइसिंग कर चुका है, फिर इसको अब शाइनिंग देने के लिए अच्छे तरीके से हम शाइनिंग देंगे। अब हमारा केक यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब इसको डेकोरेशन करना है। देखिए यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए हम टूथपिन लेंगे। टूथपिन की सहायता से पहले हम एरो का निशान इस प्रकार बना लेंगे ताकि हमें डेकोरेशन करने में सहायता मिले। आज हमने बताया है कि आपको थोड़ा लेटेस्ट मॉडल केक बना के दिखाएंगे, तो हमने इस प्रकार लेटेस्ट मॉडल केक बनाने जा रहे हैं। जो पार्टी वार्टी में केक होता है उस प्रकार का केक हम बना के आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से टूथपिन की सहायता से आप जो है कि कट कर लेंगे। टूथपिन या फिर चाकू, स्केल, किसी की भी सहायता से आप इस प्रकार कट कर लेंगे। अगर टूथपिन से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर जो भी आपके पास हो उससे आप कर सकते हैं। देखिए हमने इस प्रकार कर लिया हुआ है। इस पे हम अब फ्लावर्स बना के रखेंगे। लगभग तीन फ्लावर्स बनाएंगे, वो भी पिंक पीले कलर का बनाएंगे क्योंकि हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं। वैसे भी इसमें जेली नहीं लगा रहे हैं तो हम इसे पीले कलर का फ्लावर बना के रखेंगे। इस पे पीले कलर फुल फ्लावर्स हमने इस प्रकार बनाया हुआ है। हमने पहले भी वीडियो अपने बताया है कि हम फिना नोजल की सहायता से फ्लावर्स बनाते हैं। देख सकते हैं हमारे कुपी में नोजल नहीं है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से फ्लावर्स बनाना सीख सकते हैं। हमारे वीडियो को देख के पीले कलर का फुसफुस मार देंगे, फिर सिल्वर इस पे से हल्का सा मार देंगे ताकि फ्लावर्स देखने में और भी सुंदर लगे। देखिए हमने दो फ्लावर्स बना के रख दिया है। इसके बाद हम तीसरा फ्लावर्स बनाएंगे इस तरह से। फ्लावर्स बना के फिर वही तीनों फ्लावर्स, या तो फिर अपने आप जो आपको कलर चाहे कलर से आप उसको डेकोरेशन कर सकते हैं। हमें पीले कलर का रखना है इसलिए हम पीले कलर का रखेंगे। अब इस पे देखिए हम गोल्डन बॉल से हम इसको डेकोरेशन करेंगे। देखे होंगे आप गोल्डन कलर का बॉल, उस मतलब इसे डेकोरेशन करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे गोल्डन बॉल लगाना चालू कर दिया है जहाँ जहाँ पे। देखिए एरो हमने इसीलिए बनाया हुआ था कि हम इसको गोल्डन बॉल से कवर करेंगे, हर जगह डेकोरेशन करेंगे ताकि हमारा केक और भी अच्छा बन सके। जितना है सब जगह हम गोल्डन बॉल लगाएंगे, जितना कट है उसके कॉर्नर कॉर्नर पे लगा सकते हैं हम। फिर अच्छे तरीके से देखिए हमने नीचे बॉल लगा दिया है, सेम प्रोसेस ऊपर भी इसी तरह बीच बीच में लगाएंगे। बहुत ही आसानी से और आराम से लगाएंगे तभी आपका बॉल्स लग सकता है। अगर जल्दी लगाएंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लग नहीं पाएगा बॉल, गिर जाएगा नीचे, तो इसलिए आप आराम से इस बॉल को लगा सकते हैं। मैं तो हाथ से ही लगा रहा हूँ, आपको जिस जैसे लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो हाथ से उतना परफेक्ट नहीं होता है, लगाने वाला इसका एक आता है, उसे पकड़ के आप लगा सकते हैं। अब इसी प्रकार हम ऊपर भी रख देंगे, ऊपर भी चारों तरफ ऐसे ही लगा देंगे सिल्वर बॉल ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। देखिए यहाँ पे पूरा हमारा लगभग बॉल्स वाला डेकोरेशन पूरा हो चुका है।
एक और भी लगाना है वहाँ भी लगा देंगे इस प्रकार से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका डेकोरेशन। और फिर हम व्हिप क्रीम में ग्रीन कलर का कलर मिला के हम इस प्रकार इस फ्लावर्स का पत्ती बना सकते हैं। और ग्लेज, ये हम ग्लेज लगा देते हैं पाइन एप्पल का, ताकि देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे, इसलिए देख चारों तरफ में ग्लेज लगा दिया है। इसके बाद हम सिल्वर बॉल्स लगा देंगे, इसकी हम बॉर्डर नहीं मारेंगे ताकि इसका जो है कि डेकोरेशन ढक ना जाए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा केक कैसा लगा।